फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे और हैप्पी, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो बच्चे सब लोग स्कूल जा चुके हैं, तो आज मुझे बहुत एक ज़रूरी काम करना है जो कि मैं बहुत दिन से सोच रखी थी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए, काम शुरू करने से पहले थोड़ा अपना हम नाश्ता पानी बना ले रहे हैं। तो कुछ चाय बनाएंगे और थोड़े से चावल वगैरह रखे हैं तो उनको मैं फ्राई कर लूँगी। तो चलिए नाश्ता पानी कर ले, फिर काम शुरू करते हैं अपना। तो यहाँ बन रही है हमारी चाय, और चाय के साथ साथ हम थोड़े चावल फ्राई भी कर लेंगे। ये रात को थोड़ी चावल बच गए थे तो उनको मैंने मटर गोभी डाल करके फ्राई कर लिए। तो वास्तव में बहुत टेस्टी लगते हैं, मुझे तो बहुत ही अच्छे लगा करते हैं। तो आप लोग भी बचे हुए चावल को एक बार फ्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छे लगते। और देखिए, आज मुझे ये कंबल धोना है। इसको वैसे रजाई भी बोलते हैं, कंबल वाला रजाई, लेकिन ये पतला वाला कंबल नहीं है, ये बहुत हैवी वाला कंबल है। तो आज हम इसको वॉशिंग मशीन में धोएंगे, वो भी एक ट्रिक के साथ। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, आपको कुछ पता लग जाएगा। और देखिए, यहाँ पर मैंने पानी भर दिया है वॉशिंग मशीन की बकेट में, और सर्फ डाल दिए हूँ। तो सर्फ़ में हमें कंजूसी नहीं करना, हमें अच्छा वाला सर्फ डालना है, मतलब जिससे इसका रंग फेडेड ख़राब ना हो। तो मैंने यहाँ पर मेरे यहाँ सर्फ एक्सल आता है, तो मैंने वही सर्फ एक्सल हमको ने 2 चम्मच डाल दिया। सर्फ एक्सल डालने के बाद तो थोड़ा सा मशीन को चला दिया जिससे हमारा सर्फ घुल जाए। और देखिए, मैंने कंबल का एक कोना पकड़ी, जो हमारे 4 कोने होते हैं उनको एक कोना पकड़ के और उठा लिया। तो आधा कंबल मैंने मशीन में डाल दिया और आधा कंबल मशीन के बाहर रख दिया। तो ये कंबल बहुत हैवी होते हैं, और जो मेरी वॉशिंग मशीन है ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये सेमी ऑटोमेटिक है। तो ये मतलब ओपन वाली है, तो जो होती है फ्रंट लोड नहीं है, तो इसी वजह से मैं इस मशीन में धो पा रही हूँ। अगर हम हाथ से धोते तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। तो देखिए, आधा ब्लैंकेट डाल दी हूँ और आधा ब्लैंकेट मैंने पकड़ रखा है, आपको दिखा रही हूँ। देखिए कैसे धुल रहा है, और इसको हमें दबा के रखना है। जैसे जैसे ये ऊपर हो रहा है तो इसको हमें थोड़ा नीचे की तरफ पुश करके रखना है, ताकि ब्लैंकेट बाहर ना आए। और आप टेंशन मत लीजिए, इससे आपकी मशीन ख़राब नहीं होगी। और हाँ, लेकिन आप जैसे मैं हाथ डाल रही हूँ तो आप हाथ मत डालिएगा वॉशिंग मशीन में। इसके लिए आप एक कोई डंडा वगैरह, कोई मतलब छोटा सा डंडा वगैरह ले लीजिए, जिससे आप उसको ऊपर हो तो आप उसको दबा सकें। तो देखिए, मैं एक डंडे से ही कंबल को अंदर कर रही हूँ। हमारा एक तरफ का ब्लैंकेट धुल चुका है, तो मैं उसका नीचे टब रख ली हूँ, और उसका आधा धीरे धीरे करके ब्लैंकेट को आधा बाहर निकालती जाऊँगी। कोई टब रख रखी हूँ, उसमें बाहर निकालती जाऊँगी। आप चाहें तो आप दूसरे का हेल्प ले सकते हैं, किसी और का, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। तो इसी वजह से मैं अकेले कर ले रही हूँ। थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगा कंबल ये उठाने में, क्योंकि ये जब पानी भर जाता है तो ये हैवी हो जाता है। अगर दूसरे की हेल्प हो तो ये बहुत जल्दी एक साथ में उठ जाता है। और आधा कंबल मैं निकाल दूँगी, धुला हुआ कंबल मैं निकाल दूँगी टब में, और जो सूखा हुआ कंबल है उसको मैं फिर आधा कंबल वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी, उसका भी एक चक्कर हम ले लेंगे। तो इसी तरीके से दो आधा आधा करके हम कंबल को धो सकते हैं। ये तो भारी कंबल है, और जो हल्का कंबल होता है वो भी आप आराम से धो सकते हैं, वो आधा आधा करके। और कंफर्टर और ये जो होते हैं पतले वाले कंबल, इनको तो आप एक ही बार में ही धो सकते हैं। तो कंबल इसको धोए बहुत टाइम हो गया था, और पिछली सर्दियों में भी हम नहीं धोए थे, बस ऐसे ही रख दिए थे। तो मैंने सोचा कि चलो धूप अभी निकल रही है तो अभी हम इनको धो लेते हैं, वरना फिर ये बाद में सूखेंगे नहीं इनको धोने में। और तो इसी वजह से मैंने आज मौका पाई तो धो लिया। देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि हमें एक डंडे की हेल्प से ही ब्लैंकेट को थोड़ा अंदर की तरफ दबाना है। तो हमको डंडा इतना बड़ा नहीं लेना है कि हम उसको ग्राइंड, जो हमारा मतलब कपड़ा धोने वाला जो होता है व्हील, उसमें टकराए। हमको छोटा ही डंडा लेना, जिससे हम उसको नीचे अंदर की तरफ पुश कर सकें, क्योंकि जब वॉशिंग मशीन चलती है तो ब्लैंकेट को ऊपर फेंकती है। और देखिए, आराम से कंबल हमारा धीरे धीरे करके धुल जाएगा। आप लोग भी ये टेक्निक अपनाइएगा और मेरे से शेयर ज़रूर करिएगा,
कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ब्लैंकेट हमारा धुल गया है, अब मैं पूरा कंबल इसको निकाल के रख दूंगी। और चलिए मैं आपको पानी दिखाती हूँ कि पानी कैसा गंदा निकला है। देखिए आप लोग देख सकते हैं, बैक कमरा करके दिखा रही हूँ कि देखिए कितना एक ही चक्कर में कितना गंदा पानी निकला है, तो हमारे कंबल में कितनी गंदगी रही होगी। और पानी को हम निकाले दे रहे हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे मशीन में कोई खराबी नहीं हुई। और पानी ड्रेन आउट होने के बाद देखिए इसमें कितनी मिट्टी है, तो आप सोच सकते हैं कि कंबल में कितनी मिट्टी रही होगी। और हमारी मशीन भी ख़राब नहीं हुई है। और फ्रेंड्स ये मेरी जो मशीन है ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, आप इस कंबल को धोने का फुली ऑटोमेटिक मशीन में ट्राई ना करें, उसमें नहीं धुल पाएगा। और ये मेरी 7 kg की वॉशिंग मशीन है, तो अगर आपकी 7 kg से कम की वॉशिंग मशीन है तो उस पर हम ना धोएं, उसको ले सकते हैं ये जिससे पानी निकल जाए। या मेरे पास बर्तन की डलिया भी है स्टील वाली, लेकिन उसमें बर्तन रखे हैं, शायद आपको साइड में दिख रहा होगा। तो मैं यही डलिया का इस्तेमाल करूँगी और पानी मोटर का चला करके उसमें आधा कंबल इधर धोऊंगी, फिर उसको नल में लटका दूंगी, फिर आधा कंबल धोऊंगी तो उससे उसको भी नल में लटका दूंगी और इसी बास्केट में रख दूंगी, तो उसका पानी निकल जाएगा, तो उसका हैवीनेस कम हो जाएगा। पानी की वजह से ही कंबल में हैवीनेस भारीपन आता है। फिर उसको उठा के हम धूप में डाल देंगे, तो थोड़ी सी मेहनत से ही आपका काम आसान हो जाता है। और गर्मियों में तो ये ब्लैंकेट एक दिन में ही सूख जाता है, क्योंकि गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा तापमान हाई होता है, लेकिन ठंडियों के दिन में कम से कम हमें इसे 3-4 दिन की धूप दिखानी पड़ती है, वरना हमारा ब्लैंकेट ख़राब हो जाएगा। तो जब धूप निकले तभी आप इस ब्लैंकेट को धोएं, वरना आपका ब्लैंकेट ख़राब भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाती रहती हूं। जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं उनको दिल से धन्यवाद। और जो नए मेहमान हैं प्लीज़ वो हमारे साथ जुड़ के देखिए। और देखिए ब्लैंकेट हमारा धुल चुका है और इसका पानी निथर रहा है, तो अब हम इस पानी निथरने के बाद इसको मैं ऊपर फैला दूंगी। और देखिए हमारा ब्लैंकेट मैंने ऊपर फैला दिया है और ये कितना साफ़ हो गया है, कितना क्लीन लगने लगा है, बहुत सुंदर लगने लगा है। लेकिन आपको जो निरमा वगैरह सर्फ वगैरह है उसको आप अच्छी क्वालिटी का लीजिए, तो आपका ब्लैंकेट ख़राब नहीं होगा। अगर आप सर्फ में कंजूसी करेंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।